अटूट भक्ति श्रद्धा के आगे जान की जोखिम भी फीकी पड़ जाती है। ऐसा ही कुछ नजारा माँ तारिणी के भक्तों ने विरसा नगर के 6 नंबर जोन में कर दिखाया। दहकते आग के अंगारे पर भक्तों ने चलकर माँ तारिणी के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की। कहते हैं माँ अपने बच्चे की रक्षा हर समय करती है और यह सत्य भी है, क्योंकि यह दृश्य देखकर आप भी मान लेंगे। तो गौर से देखिए इन भक्तों को, ये किसी की तरह से आग पर चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आग नहीं बल्कि फूल है, लेकिन यह आग सचमुच में इन भक्तों को फूल सा लग रहा है, क्योंकि यह सब माँ तारिणी की कृपा है और माँ तारिणी की कृपा के लिए ही ये भक्त आग में कलश लेकर चल रहे हैं और आग से गुजरते हुए पूजा के लिए जाते हैं और इसके बाद माँ की भक्ति भाव से पूजा करते हैं और 1 महीने से चल रहे इस पूजा का समापन इसके बाद कर देते हैं। जो चैत महीना का जो माँ कलश जो आता है, अग्नि में पार होके ही हम लोग कलश घुसाते हैं। क्या प्रथा, क्या अग्नि पर चलना, क्या अग्नि पूजा में ऐसा नहीं होती है? हाँ, दूसरा पूजा में ऐसा नहीं होती है, पर माँ तारिणी का जो पूर्वज जो बना के आया हुआ है और उड़ीसा सारे शहर में आज का दिन में किसी जगह भी बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम होता है और उस जगह का माँ को लाए हैं, इसलिए हम लोग उस जगह का प्रोग्राम को देख के इसी जगह में जो आस्था का प्रतीक है जो अग्नि पे चलते हैं। हम लोग किसी को चोट लगता है या कुछ घायल होते हैं? ऐसा चोट नहीं लगता, अगर माँ का श्रद्धा भक्ति रहता है तो ना ही कुंसी होता है, ना ही मेरा पांव जला है और ना ही किसी का कुछ होता है। इसके बाद जो चंडी पाठ होता है उस जगह में माँ का शांति होता है। जो हमारा गुरु आया हुआ और राउरकेला से आया हुआ है, अब जिस समय चल रहे थे आपको कैसा लग रहा था? हमको बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा था। क्या लग रहा था, कुछ आग जैसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। इस जगह में हम पहला बार जमशेदपुर में कर रहे हैं, लेकिन राउरकेला में हम 3 बार कर चुके हैं।